जिंदाबाद। जनाब प्रदीप शर्मा साहब जिंदाबाद। ट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। जनाब प्रदीप शर्मा साहब जिंदाबाद। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से जो हमारा 15% का जो मसला आज तकरीबन 20 दिन से चल रहा है, तो इस सिलसिले में हमने कहा कि हमारी लेबरों के जो पैसे हैं, हम आज तक हमारी लेबरें जो हैं सफ़र हुई हैं, तो हमने उनको पेमेंट करनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऐसा आर्डर निकाला है कि 15% पेमेंट करें। अगर हम 1,00,000 रुपया लेंगे उसमें से 15% हम अगर हम उनसे पेमेंट लेंगे तो हम कहाँ से लेबर चार्जेस खत्म करेंगे और GST की पेमेंट करेंगे। इस सिलसिला में हमने दो चार बार हमने दफ्तरों में भी स्ट्राइक की, लेकिन हमारा कोई मसला जो है हल अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से हम शर्मा साहब से ये अपील करते हैं कि आप हायर अथॉरिटी से बात करें, गवर्नर साहब से बात करें या ट्यूशन सेक्टर से बात करें, ताकि हमारा ये मसला जो 15% वाला जो है ये हल हो। क्योंकि हमारी ठेकेदार एसोसिएशन जितनी भी ठेकेदार बरादरी है ये तकरीबन 2,000 के लगभग है, और आप बताएं कि अगर हमारा ये मसला जो है ये हल नहीं होगा तो लोग सड़कों पे उतरेंगे, लेबरें सड़कों पे उतरेंगी, तो हमारा मसला जो है कैसे हल होगा। इसी सिलसिले में आज प्रदीप शर्मा साहब से हमने बात की कि आप हायर अथॉरिटी से बात करें ताकि हमारा ये मसला जो है हल हो और हमारी लेबरें जो है हमारे सर न चढ़ें। कल ये रोडों पर उतरेंगे, कल ये स्ट्राइकें करेंगे, पत्थर वहाँ, फिर हमें मजबूरन जो है हमें DC ऑफिस को लॉक करना पड़ेगा, हमें जो अपना कंप्लेक्स जो है उसको लॉक करना पड़ेगा, तो लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। इसी सिलसिला में जितनी भी ठेकेदार एसोसिएशन जो है ये गठी हुई है, तो हम बात करना चाहते हैं। आप हमारे साथ जो हमारे प्रदीप शर्मा साहब MLC हैं ये बात करेंगे, आपको तफसील पर हायर अथॉरिटी से बात करके ये पैसा आया, और आज हमें अगर वो 15% मिलेगा तो उससे हम लेबर को पैसे देंगे, हम GST की पेमेंट करेंगे, हम कहाँ, हम तो पूरे ठेकेदार जितनी भी एसोसिएशन ठेकेदार बरादरी है हम तो मर चुके हैं, तो हमारा तो क्या, हमारा तो सिस्टम ही सारा ख़त्म हो चुका है। इसी सिस्टम में आप शर्मा साहब बात करेंगे। मैं सबसे पहले प्रदीप शर्मा MLC जो हमारे BJP पार्टी के हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर पहुँचे और ठेकेदार लोगों की हौसला अफजाई की। मैं इसके साथ अपने गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब आपके हाथ में रहते जम्मू कश्मीर की बात जोड़ है, आप ये देखें कि अगर ये पेमेंट जनवरी में रिलीज हुई होती तो आज ठेकेदार 15% लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन एक साल से ये काम करके ठेकेदार जो है वो बैठे हुए हैं और मार्च के 10 दिन पहले ये पेमेंट आती है। अगर आज इन ठेकेदारों को 15% पेमेंट दी जाएगी तो मैं ये कहता हूँ कि ये ठेकेदार जो है स्टेट के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मैं लिहाजा गवर्नर साहब से ये अपील करूँगा और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से ये अपील करूँगा कि इस जो आर्डर आपने किया है इस आर्डर को आप वापस करें और आइंदा से इस आर्डर को आप लागू करें, ताकि उसमें भी ये सिस्टम से आप लागू करें कि जो स्टेट सेक्टर की पेमेंट है या दूसरी पेमेंट है उसको जनवरी में आप हमें दें, ताकि हम अपने हिसाब से ठेकेदार जो है वो प्रॉब्लम में ना आए। आज काम जो है ठेकेदार आपने ख़त्म कर चुके हैं और फाइनल बिल जो है वो ट्रेजरी में जमा करवाए हैं। इस वक्त हर ठेकेदार का जो लेबर का मजदूर है वो उसके पास पेमेंट के लिए हाजिर हुआ है, रेत बजरी वाले उसके पास हाजिर हुए हैं, बैंकों का लोगों ने लोन दिया है। अगर आप ये आर्डर आज वापस नहीं लेंगे तो समझ लो कि स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा, जिससे पूरा ठेकेदार, पूरा आमला जो है, जितनी लेबर है वो सब ख़त्म हो जाएगी। मैं जनाब से अपील करता हूँ, मैं बहुत बाना अपील करता हूँ, तेजी को और दिन दिए जाएं और ये जो आर्डर आपने 15% का है इसको मैं ये कहूँगा कि इस आर्डर को आप वापस लें, ख़त्म करें और ट्रेजरी को एक नया आर्डर दें, ताकि जिस जिस आदमी का जितना जितना बिल यहाँ पे पहुँचा है, मैं ये कहता हूँ कि पूरे साल में अगर एक ठेकेदार ने 1,00,000 का काम किया है उसका 1,00,000 का बिल यहाँ पहुँच चुका है। अगर आप उस 1,00,000 में उसको 15,000 रुपया दोगे, मुझे ये नहीं मालूम कि वो 15,000 किसको देगा। वो उसमें GST कटवाएगा, वो उसमें लेबर वालों को पेमेंट करेगा, वो उसमें सीमेंट सरिये वाले को पेमेंट करेगा, वो उसमें अपने मजदूरों को पेमेंट देगा या अपने बाल बच्चे का पेट पालेगा। मैं ये कहूँगा कि ये तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं, हम आपसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हमारा मुतालबा ये नहीं है कि आप हमारी तनख्वाह को बढ़ाओ, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे साथ कोई ऐसा काम करो, हम ये कह रहे हैं कि हम जो ठेकेदार लोग हैं इन्होंने जो मजदूरी की है ये अपना हक और अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, लिहाजा अगर आप हमें अपना हक और हमारी मजदूरी नहीं देंगे। ये ठेकेदार आज बैठ चुके हैं, ये ठेकेदार कहते हैं कि हमने ट्रेजरी को लॉक करके रखा है, हम ये 15% लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या आप तैयार हो? नहीं। लोग जो हैं, मेरे ठेकेदार, मेरे भाई जो हैं, ये धरने पर बैठे हैं। मैं एक
लेजिस्लेटर होने के नाते, और क्योंकि ये जो ठेकेदार हैं ये हमारी स्टेट की एक बैकबोन है, हमारे जो डेवलपमेंट करने वाले जो लोग हैं ये सबसे बड़े ठेकेदार हैं जो यही डेवलपमेंट करते हैं, जो आपको सड़कें हैं, ये बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े जो सिस्टम जो है दिखाई दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ अगर ठेकेदार खत्म होंगे तो गवर्नमेंट जो है ये बैकफुट पर चली जाएगी, हमारी तरक्की रुक जाएगी, हमारा सब कुछ रुक जाएगा। मैं गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, गवर्नर साहब ये जो हमारे ठेकेदार भाई हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि अगर इनकी क्या गलती है, आप पैसे जा तो आपने दिसंबर में पैसे रिलीज करने चाहिए थे, या उससे पहले पैसे रिलीज करने चाहिए थे, आपने पैसे जो है वो 5 दिन पहले रिलीज किए, और इनको आप कह रहे हो 15% पेमेंट, इन्होंने 1 साल से 8 महीने से काम किए हुए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे गवर्नर साहब, हमारी जो स्टेट का जो बॉडी है, कि फौरी तौर पर जो AK मेहता यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी कहूँगा, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब फौरी तौर पर इनके पैसे जो हैं वो रिलीज़ करें, और ये जो लोग हैं ये ना हो कि इनके मकान भी बिक जाएं, ये जो लोग जो हैं, हम लोग जो हैं किसी को बसाने के लिए आए हैं, किसी को घर से उजाड़ने के लिए नहीं आए हैं। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा फौरी तौर पर इनके पैसे रिलीज़ करें, ताकि जो लोग इन्होंने पैसे लोगों के देने हैं, जो उधार लिया हुआ है, किसी का सीमेंट का पैसा देना है, किसी का बजरी का पैसा देना है, किसी का क्रेशर का पैसा देना है, किसी का सरिये का पैसा देना है, किसी का शेटिंग का पैसा देना है, ये लोग ये ना हो कि ये लोग बेचारे इसी चक्कर में आकर फंस जाएं, इनको बाहर निकालें, इनके पैसे फौरी तौर पर जो है रिलीज किया जाए। आगे से अगर ये आपने तेजी वाला 15% वाला सिस्टम अगर लगाना है तो पहले से ही जो जब मार्च खत्म होता है आप फौरी तौर पर सेंटर से पैसा मंगवाएं, जहाँ आपके पास पैसा है तो फौरी तौर पर दे दें, जैसे जैसे ठेकेदार काम करता रहेगा पैसे निकालता रहेगा। जो आपको ये देखना चाहिए कहा जहाँ पर हमारी कमजोरी है वो हमारी कमजोरी है। मैं सोचता हूँ ये जो कमजोरी है, ये हमारी स्टेट जो है, जो हमारी गवर्नर साहब और आगे जो हमारी बॉडी है, ये इसकी कमजोरी है, ये कोई ठेकेदारों की कमजोरी नहीं है। आप खामखा इन ठेकेदारों को सजा मत दें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो हमारी स्टेट के गवर्नर साहब और हमारे एडवाइज़र और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, तो आपको अगर ऊपर वाले ने कुछ दिया है उसका सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल इनका खून करके गलत इस्तेमाल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।